हेलो माय डियर फैमिली। तो रोज की तरह आज भी हम आपको ट्रेंडिंग और इंटरेस्टिंग से अपडेट्स बताएंगे, जिसमें हम द लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार पर हुई एफआईआर से लेकर अक्षय कुमार की ओएमजी 2 के टीजर रिलीज डेट तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। और इन अपडेट्स के साथ साथ इंडस्ट्री में क्या एंटरटेनमेंट चल रहा है, सब कुछ एक एक करके शॉर्ट एंड फन वे में निपटाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की फर्स्ट अपडेट से, जो की है द लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार के बारे में। ये वो बंदा है जिसको बिग बॉस से भी एक ही दिन में बाहर निकाल दिया गया। अब भाई साहब ने एक ही दिन में इतने जो किए थे, और वैसे भी बिग बॉस को एक बार ये तो सोचना चाहिए था कि जो आदमी बाहर शांत नहीं रह पाता है, वो चार दीवारी के अंदर कैसे शांत रह पाएगा और वो कैसे एडजस्ट करेगा। फिर क्या ये बंदा जो रेगुलरली करता है वो इसने किया। रिजल्ट देखो, पूरे सीजन का एंटरटेनमेंट इस बंदे ने एक ही दिन में दे दिया और साथ ही पूरे शो की हाइप और फेम खा ली। अब उसकी वजह से इस बंदे को जो फैन से प्यार मिल रहा है, मतलब भाई को जनता पूरा सपोर्ट कर रही है, इतना ज्यादा सपोर्ट कि बंदे की एक आवाज पर लोगों ने जियो सिनेमा का रेटिंग तक गिरा दिया कि तुम लोगों ने हमारे भाई को बिग बॉस से निकाला कैसे, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वही पुनीत सुपरस्टार की इसी फेम और पॉपुलैरिटी ने कुछ लोगों की नींद भी उड़ा दी है, जिसकी वजह से उनमें से एक ने पुनीत सुपरस्टार के अगेंस्ट एफआईआर तक रजिस्टर करा दी। अब मैटर ऐसा हुआ कि फैजान अंसारी नाम के एक इन्फ्लुएंसर ने एक इंटरव्यू में पुनीत के अगेंस्ट बोल दिया कि पुनीत एक अनपढ़ आदमी है, उन्हें बोलने की तमीज नहीं है, वो जाहिल और गवार है। और उसने ये तक बोल दिया कि पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस ओटीटी 2 पर होना ही नहीं चाहिए था, वहाँ तो पढ़े लिखे और सभ्य लोग आते हैं। ये पढ़े लिखे और सभ्य वाली बात तो भाई गलत है। एनीवे, ये सब कुछ सुनकर पब्लिक भड़क गई और उसी के इंटरव्यू से उसको सुनाना शुरू कर दिया। अब भाई साहब इतने में पुलिस स्टेशन पहुंच गए और भोपाल के एक पुलिस स्टेशन में पुनीत के अगेंस्ट एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाई कि उनको पुनीत सुपरस्टार के फैंस की तरफ से ऑनलाइन थ्रेट्स आ रहे हैं और उसकी वजह से वो मेंटली काफी परेशान हो चुके हैं। अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके जिम्मेदार पुनीत सुपरस्टार ही होंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई फैंस पुनीत सुपरस्टार के अगेंस्ट एक भी वर्ड नहीं सुनना चाहते हैं। वैसे आपका इसके ऊपर क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर से बताना। वहीं सेकंड अपडेट आया है जवान मूवी के ट्रेलर को लेकर, जहां जवान मूवी के मेकर्स ने एक ट्रेलर तैयार किया है जो कि 12 जुलाई को मिशन इम्पॉसिबल के साथ रिलीज किया जा सकता है, जिसको CBFC ने यूएस सर्टिफिकेट के साथ सर्टिफाइड किया है, जिसकी लेंथ है 2 मिनट 15 सेकंड। तो तैयार हो जाओ शाहरुख खान के सभी जबरे वाले फैंस, बहुत ही जल्द जवान का ट्रेलर आपके सामने रिलीज कर दिया जाएगा। एंड आई नो कि इस मूवी को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है, तो एक ट्रेलर की जरूरत थी इस मूवी को। कहां ये मूवी जुलाई में रिलीज होने वाली थी और कहां अभी तक फैंस इसके ट्रेलर का वेट कर रहे हैं यार। खैर देखते हैं कैसा आता है ट्रेलर। वहीं एक और अपडेट है अपने सनी पाजी की गदर 2 मूवी से, जहां ऐसा बोला जा रहा है कि गदर 2 मूवी में अपने अरिजीत सिंह भी गाना गाने वाले हैं। भाई देखो, अब तो हर फिल्म के अंदर अरिजीत सिंह का गाना चाहिए, ये पब्लिक की बहुत भारी वाली डिमांड है जो कि पूरी होनी चाहिए और अरिजीत सिंह ये डिजर्व करते हैं। और कहा जा रहा है कि अरिजीत सिंह गदर 2 के अंदर एक नहीं दो दो गाने गाने वाले हैं। पहला वाला एक रिप्राइज वर्जन ही होगा मैं निकला गड़ी लेके सॉन्ग का, जिसको अरिजीत सिंह उदित नारायण सर के साथ मिलकर गाएंगे। वैसे उदित जी की बात निकली है तो एक फैक्ट आपको बता दूं कि मेरी पहली फिल्म उसके टाइटल सॉन्ग को भी उदित नारायण जी ने गाया था, जो कि बचपन से मेरा एक सपना था कि ऐसा क्या हो सकता है, लेकिन सपने सच होते हैं भाई। नहीं सुना है तो उस सॉन्ग को जरूर से सुन लेना, जी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर है, नाम है लव लगन ने लोचा। अभी आते हैं मुद्दे पे। दूसरा गाना जो अरिजीत सिंह गाने वाले हैं उसका नाम है दिल जुम। लेकिन एक क्वेश्चन तो दिमाग में चलता ही रहता है कि गदर 2 के गाने गदर 1 के गानों के लेवल को मैच कर पाएंगे या नहीं। हाँ थोड़ा सा मुश्किल जरूर से है, लेकिन सिंगर्स भी दमदार है तो भाई ऐसा हो सकता है। एनीवे, आज का लास्ट अपडेट है अक्षय कुमार की ओएमजी 2 मूवी को लेकर, जो कि 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है, लेकिन अभी तक उस मूवी का टीजर तक नहीं देखने को मिला है। लेकिन अब एक अपडेट आया है कि फाइनली 9 जुलाई को ओएमजी 2 का टीजर रिलीज होने वाला है, जिसको CBFC ने यू सर्टिफिकेशन के साथ सर्टिफाइड किया है। वहीं इस टीजर की लेंथ 1 मिनट 34 सेकंड्स होने वाली है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ टीजर या फिर ट्रेलर जो भी आएगा उसके लिए, क्योंकि इस मूवी का जो पोस्टर रिलीज किया गया था काफी कूल वाइब दे रहा था। तब से इंतजार है कि जल्दी से जल्दी इस फिल्म का टीजर या फिर ट्रेलर कुछ भी देखने को मिल जाए। अब अक्षय सर की यही मूवी है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, वरना अक्षय कुमार की हाल फिलहाल जो फिल्म आई है उसका क्या हाल है ये आप जानते हैं। खैर आपको क्या लगता है कि ओएमजी 2 मूवी कैसी होगी, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर से बताना। और ऐसे वीडियोस के लिए जस्टेक सिनेमा को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधूरा वेब सीरीज का रिव्यू जस्टेक चैनल के ऊपर आ रहा है। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, जय हिंद।